नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेल जोड़ों का अनुरक्षण। पहला, फिश प्लेट हेड जोड़ों के अनुरक्षण के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि रेलों की अच्छी लाइफ तथा साथ साथ अच्छी रनिंग प्राप्त की जा सके। दूसरा, जोड़ों का दक्ष अनुरक्षण निम्न बातों पर निर्भर करता है। का, फास्टनिंग की दक्षता पर। खा, स्लीपरों की स्पेसिंग तथा पैकिंग की दक्षता पर। गा, सही फैलाव जगह तथा उसके अनुरक्षण पर। घा, जोड़ों के उचित स्नेहन पर। चा, गेज तथा क्रॉस लेबल का सही अनुरक्षण तथा उचित पैकिंग। छा, उचित जल निकास। रेल जोड़ों में खराबी। रेल जोड़ों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख खराबियों और उन कमियों को दूर करने या कम करने के लिए सुझाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं। का, लूज स्लीपर, चपटे तल वाले स्लीपरों के मामले में साबेल पैकिंग द्वारा जोड़ों के अनुरक्षण से जोड़ों की हालत में सुधार होता है। बीटर पैकिंग द्वारा पारंपरिक अनुरक्षण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्लीपर झुक ना जाए। खा, ढीली फिश प्लेट, मानक स्पैनर का उपयोग करके फिश बोल्ड कसे हुए रखे जाने चाहिए, परंतु उन्हें इतना अधिक ना कसा जाए कि रेलों का फैलाव या संकुचन ही ना हो सके। गा, फिशिंग सतहों पर प्लेटों और रेलों का घिस जाना। जब रेलों और फिश प्लेटों के फिशिंग तल घिस जाते हैं तो जोड़ नीचे की ओर झुक जाता है। सामान्यतः घिसाव फिश प्लेटों के ऊपरी भाग के मध्य में सबसे अधिक और उसके सिरों पर सबसे कम होता है। फिशिंग तल के घिसाव की क्षतिपूर्ति के लिए दो प्रकार के साधन उपयोग में लाए जाते हैं। पहला, पुनः दाब दी गई फिश प्लेट। दूसरा, सुंडाकार पर्णिका, टेपर्ड सिम। पहला, पुनः दाब दी गई फिश प्लेट है। द्रमित फिश प्लेटें वे होती हैं जो गर्म फोर्ज की जाती हैं ताकि वे सबसे अधिक घिसाव के अनुरूप फिश प्लेट के मध्य भाग में उभार सके। दूसरा, सुंडाकार पर्णिका। सुंडाकार पर्णिका इस्पात के टुकड़े होते हैं जिन्हें ऊपरी फिशिंग सतहों के बीच घिसाव के सामान्य पैटर्न के अनुरूप बनाया जाता है। ये विभिन्न मोटाइयों में बनाए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ों का आकार फिशिंग सतहों के बीच मिलीमीटर में घिसाई के 10 के गुणज में बनाया जाता है। पर्णिका की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से लेकर 3.8 मिलीमीटर तक 0.5 मिलीमीटर के क्रम में भिन्न भिन्न होती है। पर्णिकाओं की लंबाई रेलों के विभिन्न खंडों के वास्तविक घिसाव पैटर्न के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। पर्णिकाओं की मोटाई घिसाव के अनुरूप एक दूसरे से कम होती जाती है। घा, रेल के सिरों का बैटर हो जाना। जोड़ स्लीपरों की मजबूती से पैकिंग करके और फैलाव के लिए उचित स्थान को स्पॉट वेल्डिंग द्वारा मरम्मत की जा सकती है। सिरों की काट छांट द्वारा भी इसमें सुधार किया जा सकता है। डा, हॉग्ड रेल जोड़ वी उत्तलन। डी हॉगिंग मशीनों द्वारा वी उत्तलन किया जा सकता है। रेल के सिरों का वी उत्तलन मापी हुई साबेल पैकिंग द्वारा किया जा सकता है। साधारणतः इस पद्धति में जोड़ स्लीपरों के जोड़ के झुकाव और स्लीपरों के नीचे खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए स्कंद स्लीपरों की पैकिंग किए बिना सामान्य ऊंचाई से ऊपर एक विनिर्दिष्ट ऊंचाई तक पैक किया जाता है। लगभग 2 दिन तक यातायात
को गुजरने दिए जाने के बाद स्कंद स्लीपरों को उठाए बिना पैक कर दिया जाता है। जोड़ों के ऊपर से यातायात के गुजरने से वी उत्तलन डी हंगिंग प्रभावित होता है। पुनः दाब दी गई फिश प्लेटों के उपयोग से उत्तलन रेल जोड़ों को सुधारने में सहायता मिलती है। उत्तलन की मरम्मत की हुई फिश प्लेटें लगाई जाए। छा, चटके हुए या टूटे हुए रेल सिरे। रेल सिरों पर फिश बोल्ट और बॉन्ड होल रेल को कमजोर कर देते हैं। यदि अनुरक्षण ठीक ना हो तो रेल के सिरे टूट जाते हैं। यह विभाजन सदैव फिश बोल्ट या बॉन्ड होल से सूक्ष्म दरार के रूप में शुरू होता है। रेल जोड़ों के स्नेहल के दौरान छोटी मोटी दरार के लिए रेलों को बदल दिया जाए, बोल्ट छिद्रों और बॉन्ड होल की चैम्फरिंग की जानी चाहिए। रेलों के अल्ट्रासोनिक परीक्षण से उन दरारों का पता लगाने में सहायता मिलती है जिनका आंखों से देखकर पता लगाना कठिन होता है। जा, जोड़ों की पंपिंग। मानसून के तुरंत बाद ऐसे जोड़ों से मिट्टी हटा दी जानी चाहिए। फॉर्मेशन की ऊपरी सतह पर सैंड ब्लैंकेटिंग की जानी चाहिए। इससे मिट्टी के गारे का ऊपर बढ़ना रुक जाएगा। इस ब्लैंकेट की तह पर स्वच्छ और पर्याप्त गिट्टी बिछाई जाए। पहले और दूसरे स्कंद स्लीपरों के बीच आर पार जल निकासी नालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी और टेक्सटाइल का उपयोग भी लाभप्रद रहेगा। जोड़ों के अनुरक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का गैपों का सर्वेक्षण आवधिक रूप से किया जाना चाहिए और गैप को एडजस्ट किया जाए। खा, धातु के स्लीपरों वाले मार्ग पर फिश प्लेट वाले जोड़ों पर लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग वांछनीय है। गा, जहां SWR के लिए सभी अन्य बातें संतोषजनक हों वहां साधारण फिश प्लेट वाले रेल पथ को 3 रेल पैनलों में परिवर्तित किया जा सकता है। रेलों में बोल्ट छिद्रों की चैम्परिंग करना का सामान्य पहला। बोल्ट की चैम्परिंग के कारण छिद्रों का किनारा कठोर वर्क हार्डनिंग हो जाता है और इस तरह से तारे की आकृति में होने वाले दरार के निर्माण में देरी होती है। प्रत्येक छिद्रों की चैम्परिंग में 5 मिनट का समय लगता है। ड्रिल द्वारा किए गए सभी छिद्रों की चैम्परिंग की जाएगी। दूसरा, विभंजन टूट की प्रवृत्ति वाले क्षेत्र में यदि छिद्र बढ़ा हुआ नहीं है तो बोल्ट छिद्रों की चैम्फरिंग करनी चाहिए। बढ़े हुए छिद्रों की स्थिति में चैम्फरिंग बिट बोल्ट छिद्र के संपूर्ण सतह के संपर्क में नहीं रहेगा और इस तरह से असमान कठोरता होगी। परिणाम स्वरूप कमजोर क्षेत्रों में प्रतिबल केंद्रित होगा। इस तरह के रेल के हिस्से को हटा देना चाहिए और छिद्र करके चैम्फरिंग करनी चाहिए। खा, बोल्ट छिद्रों की चैम्फरिंग करने वाले उपकरण। बोल्ट छिद्रों की वर्क हार्डनिंग अनुमोदित चैम्फरिंग किट से करनी चाहिए। चैम्फरिंग किट निम्नलिखित उपकरणों का बना होता है। पहला, उच्च तन्य बोल्ट एम 20 एक नग। दूसरा, उच्च तन्य नट एम 20 बोल्ट के लिए एक नग। तीसरा, 2 HSS चैम्फरिंग बिट का सेट एक सेट। चौथा, 19 वर्ग मिलीमीटर ड्राइव सॉकेट आकार 32 मिलीमीटर 8 नग। पांचवा, 2 पैकिंग के टुकड़े का सेट स्लीप एक सेट। छठवा, T400 टॉर्क रिंच 1.25 मीटर लंबाई की रैचेट मैकेनिज्म के साथ एक नग।
गा पहला, यदि परिस्थितियां मांग करें तो वेल्डेड रेल पैनल में किए जाने वाले छिद्रों की चैम्फरिंग फ्लैश बट बेल्ट संयंत्र में भेजने से पहले करना चाहिए। दूसरा, यदि रेलपथ में रेल का अंतिम किनारा क्रॉप्ड हो तो नए बोल्ट छिद्रों की चैम्फरिंग कार्य स्थल पर करनी चाहिए। तीसरा, इस्पात संयंत्र से सीधे प्राप्त की गई नई रेलों में छिद्रों को चैम्फरिंग रेलपथ में लगाने से पहले कर लेना चाहिए। घा, बोल्ट छिद्रों की चैम्फरिंग करने की कार्यविधि। पहला, उच्च तन्य बोल्ट के नट को हटाकर सैंक में पैकिंग पीस लगा देना चाहिए। उसके बाद HSS चैम्फरिंग पीट के एक भाग को लगाना चाहिए। दूसरा, रेल छिद्र में उच्च तन्य स्टील बोल्ट को दो टुकड़ों में घुसाते हैं। तीसरा, रेल छिद्र के दूसरी तरफ HSS चैम्फरिंग बिट का दूसरा हिस्सा बोल्ट के सैंक में घुसाते हैं। उसके बाद पैकिंग पीस का दूसरा हिस्सा लगाते हैं। चौथा, उसके बाद उच्च तन्य स्टील बोल्ट में नट लगा दिया जाता है। पांचवा, टॉर्क रिंच को 52 किलोग्राम मीटर आधूर्त बल पर सेट करके, जो कि 12.5 टन के अक्षीय बल के समतुल्य है, नट पर लगाया जाता है। टॉर्क रिंच स्वतः ही खुल जाएगा, जो कि पूर्ण कसाव का सूचक है। छठवा, टॉर्क रिंच को उल्टी दिशा में घुमाकर नट को खोला जाता है और HTS बोल्ट को निकाल लिया जाता है। यह विधि अन्य रेल छिद्रों को चैम्पर करने के लिए दोहराई जाती है। डा, प्रत्येक छिद्र की चैम्परिंग मैट चाबी वाले के पर्यवेक्षक में करनी चाहिए। रेल जोड़ों का स्नेहन। पहला, रेल जोड़ों के स्नेहन का प्रयोजन न केवल रेलों के ताप प्रसार को सहज करना है, बल्कि रेलों की जोड़ सतह और जोड़ पट्टी की निहित घिसाई रोकना भी है। जोड़ सतह पर कम घिसाई निचले जोड़ों से बचने का एक निवारक उपाय है। दूसरा, प्रयोग में लाए जाने वाले स्नेहक की किस्म मुख्य इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट करनी चाहिए। प्लेम्बेगो, ग्रेफाइट और मिट्टी के तेल की सख्त लेई, जो प्लेम्बेगो 3 किलोग्राम और मिट्टी का तेल 2 किलोग्राम के अनुपात से बनती है, प्रयोग की जा सकती है। जोड़ बोल्टों और नटों के लिए काले तेल या रिलैक्स्ड तेल प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के विकल्प का प्रयोग मुख्य इंजीनियर के विशिष्ट अनुमोदन से किया जा सकता है। तीसरा, सामान्यतः रेलों के सभी जोड़ों पर वर्षा काल के बाद जाड़े के महीने में अक्टूबर से फरवरी में एक कार्यक्रम के आधार पर वर्ष में एक बार लुब्रिकेशन किया जाना चाहिए। यार्डों में मुख्य इंजीनियर के अनुमोदन से इसकी अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की जा सकती है। चौथा, रेल जोड़ों के लुब्रिकेशन का काम प्रारंभ करने सर पहले 150 मिलीमीटर से अधिक सरकन को समायोजित करना चाहिए। पांचवा, रेल जोड़ों के लुब्रिकेशन सामान्यतः अर्हता प्राप्त रेल पथ सुपरवाइजर के पर्यवेक्षण में गैंगो द्वारा किया जाना चाहिए। यह कार्य रेल पथ निरीक्षण द्वारा प्रतिदिन जारी किए गए कॉशन ऑर्डर तथा इंजीनियरिंग सिग्नल दिखाकर दिया जाना चाहिए। इस मामले में रेल जोड़ों के लुब्रिकेशन के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी। पहला, नटों को खोल दिया जाए तथा जोड़ बोल्टों और जोड़ पट्टियां हटा दी जाए। दूसरा, उसके बाद तार ब्रश से जोड़ पट्टी और रेल की जोड़ सतह को साफ किया जाए। तीसरा, रेल सिरों का दरारों के लिए निरीक्षण किया जाए तथा रेलों और जोड़ पट्टियों की जोड़ का
चौथा, जब रेलगाड़ी कार्यस्थल की ओर आ रही हो तो दोनों जोड़ पट्टियां लगा देनी चाहिए और प्रत्येक जोड़ के दोनों तरफ का कम से कम एक जोड़ बोल्ट और नट कस देना चाहिए। पांचवा, दरार पड़ी जोड़ पट्टियों और बोल्टों के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त जोड़ पट्टियों और बोल्टों को अपने साथ ले जाना चाहिए। सातवा, मुख्य इंजीनियर जैसा आवश्यक हो सहायक अनुदेश जारी कर सकता है। आठवा, जिस लंबाई में रेलों का लुब्रिकेशन किया जाए तारीख सहित उस सेक्शन के गैंग चार्ट तथा रेल पथ निरीक्षक सेक्शन रजिस्टर में दर्ज कर लेना चाहिए। अप्रैल माह में रेल निरीक्षक को चाहिए कि रेलों के जोड़ों को लुब्रिकेशन करने का प्रमाण पत्र तथा किसी स्थान पर न लगा पाने के कारण सहायक इंजीनियर के पास भेजे। सहायक इंजीनियर को अभियुक्ति सहित इन प्रमाण पत्रों की प्रतियां छानबीन और रिकॉर्ड के लिए मंडल इंजीनियर को अग्रेषित की जानी चाहिए। नौवा, रेल पथ को पुनः बिछाने, रेलों के नवीनीकरण और टर्न आउट के नवीनीकरण इत्यादि संबंधी सभी कार्यों के लिए जोड़ों का लुब्रिकेशन करना चाहिए। यातायात के बोझ से जोड़ पट्टियों पर बल पड़ने के बाद लाइन पर जाकर बोल्टों को फिर से कसने का महत्व कर्मचारियों के मन में बैठाया जाना चाहिए। दसवां, विद्युत रोधी जोड़ पट्टियों को ग्रीस नहीं लगानी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।